सरकार सभी को ये सलाह दे रही है कि अपनी सेहत के लिए आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने अपने फोन में डाउनलोड करना चाहिए। साथ ही इस ऐप के जरिए आपको अपनी हेल्थ डिटेल्स डालकर अपने आसपास और सरकार तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। अब इस ऐप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आरोग्य सेतु ऐप को मोदी सरकार ने एक बेहतर ऐप बताया था, लेकिन अब बीजेपी के ही सहयोगी मंचों ने इस ऐप को बेकार बताया है। आरएसएस के सहयोगी मंच स्वदेशी जागरण मंच ने ये दावा किया है कि आरोग्य सेतु ऐप भारतीय के साथ एक खिलवाड़ है। इसके जरिए भारत सरकार भारतीयों की जानकारी विदेशी कंपनियों तक पहुंचा रही है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को कई जिलों में अनिवार्य कर दिया है, तो वहीं स्वदेशी जागरण मंच ने सीधे तौर पर बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भारत सरकार कई विदेशी कंपनियों को हमारी जानकारी दे रही है और साथ ही विदेशी ई मेडिसिन कंपनियों की मदद कर रही है, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप में कई विदेशी कंपनियां हैं, जिससे भारत सरकार देश की मदद करने के बजाय विदेशी कंपनियों की मदद कर रही है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ही लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप के जरिए लोगों का डेटा चुराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस ऐप के जरिए गोपनीय जानकारी पर खतरा है, इसे निजी निगरानी में दे दिया गया है, जिस पर सरकार निगरानी नहीं रख रही है। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि आरोग्य सेतु ऐप के जरिए विदेशों तक हमारी जानकारी नहीं पहुंच रही है। इस ऐप के जरिए लोगों के डर का फायदा उठाया जा रहा है।